पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। सेविंग के लिए लोग इस पर बेहद भरोसा करते हैं। ये सरकारी स्कीम काफी लोकप्रिय है, कोई भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है। पीपीएफ स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है, लेकिन इसके जरिए 5 साल में लोग अच्छा खासा फंड जोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पीपीएफ पर आपको लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। पर्सनल लोन की तुलना में ब्याज इस पर काफी कम होता है, लेकिन पीपीएफ पर लोन से जुड़ी कुछ शर्तें हैं। आइए आपको बताते हैं इसी के बारे में। लोन की शर्तें क्या हैं? सबसे पहले वो जान लीजिए। दरअसल पीपीएफ अकाउंट पर लोन के लिए जरूरी है कि आपका अकाउंट एक फाइनेंशियल ईयर पुराना होना चाहिए। 5 साल पुराने अकाउंट होने पर आपको लोन नहीं मिल सकता। इसकी बड़ी वजह ये है कि आप रकम का एक हिस्सा विड्रॉल कर सकते हैं। जमा रकम का 25% ही आप लोन के तौर पर ले सकते हैं। पीपीएफ पर सिर्फ एक बार ही आपको लोन मिल सकता है। अब पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेने का फायदा क्या है? पीपीएफ अकाउंट से लोन लेने का एक फायदा ये है कि इसमें ब्याज पर्सनल लोन की अपेक्षा बेहद कम होता है। नियम के अनुसार पीपीएफ लोन की ब्याज दर पीपीएफ अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से सिर्फ 1% ज्यादा होती है। इसे इस तरह समझिए कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट पर 7.1% का ब्याज ले रहे हैं तो लोन लेने पर आपको 8.1% ब्याज देना होगा, जो बाकी सब जगहों से बेहद कम है। आमतौर पर जब आप कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको गोल्ड या प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन पीपीएफ पर लोन के लिए आपको ना कुछ गिरवी रखने की जरूरत होती है और ना ही आपकी कमाई का सबूत मांगा जाता है। ये लोन आपको पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि के आधार पर मिलता है।